हाँ कर लेते हैं। ये ट्रेस की मल्टीप्लिकेशन हो रही है जी। ये एक एक ट्रे की हमारी चार पांच ट्रे में जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो ये सदाम साहब जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई करना क्यों ज़रूरी है जी? इसका तो क्या स्पेस फ़ायदा है? स्पेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा अबेंडेंस में है, तो उस वजह से इनको मल्टीप्लाई करने में, हेल्दी लार्वे प्रोडक्शन लेने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस वजह से हम इनको स्पेस के अकॉर्डिंग इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे हमें ज़्यादा हेल्दी प्रोडक्शन, ज़्यादा हेल्दी लार्वे मिल सके। तो इसके लाइफ साइकिल में भी कोई फ़र्क पड़ता है? इसका ड्यूरेशन कोई कम होता जी है? जी कितना जितनी कम हो जाता है अपना, तकरीबन? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 40 डेज में अपना लाइफ साइकिल ज़्यादा अबंडेंस में कंप्लीट करेगा, तो ज़्यादा लार्वों की फॉर्म में, तो अगर हम उसको कम स्पेस में कर देंगे तो इजीली अपना लाइफ साइकिल शॉर्ट ड्यूरेशन में कंप्लीट कर लेगा। तो एक लफ्ज़ आपने बताया कि ये हेल्दी होते हैं, तो हेल्दी से आपको क्या मुराद है? इसका क्या मतलब है? इसका वज़न बढ़ जाता है? यानी कि वेट, ज़्यादा वेट उनका हम गेन कर सकते हैं, यानी कि एक लार्वे का वेट 0.4 ग्राम तक हम ले सकते हैं, ज़्यादा यानी कि स्पेस में, ज़्यादा स्पेस हो। अगर ज़्यादा लार्वे कम स्पेस में हो तो वो लाइफ साइकिल भी ज़्यादा टाइम में कंप्लीट करेंगे और उनका जो वेट है वो कम होगा, मैक्सिमम 0.28, 0.29 या 0.3 तक, बड़ी मैक्सिमम उनका वेट होगा। एज़ पर अमेरिकन एंटमोलॉजिस्ट एसोसिएशन इन्वेस्टिगेशन दे, वो कहते हैं कि अगर 20 से 25 लार्वे हों जो फुल इंस्टार के, तो उनका अगर 100 ग्राम वज़न होता तो दैट इज़ ए हेल्दी पॉपुलेशन। तो हम, मेरा ख्याल है कि इसमें ये इस तरह इस तरीके से इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ये लेने में कामयाब हो जाएंगे, आपके ख्याल में? जी, इंशाल्लाह, जरूर। थैंक यू।